आज मैं विश्व पुस्तक मेले के अंदर हूँ और यहाँ पर नव जागरण के प्रकाशक से एक भेंट वार्ता है, जिसमें इनके अपने अनुभव यहाँ पर आ रहे हुए जो पाठक संपादक लेखक जो भी लोगों की भीड़ बहुत है, खरीदार हैं या नहीं, इनका अपना क्या अनुभव रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है इस बार इस पुस्तक मेले में? नहीं, अनुभव ठीक है, पॉजिटिव है, लोग आ रहे हैं, मेले में भीड़ बढ़ रही है और यहाँ ये पता चल रहा है कि आज के डिजिटल दुनिया में, डिजिटल युग में अभी पुस्तकों का अस्तित्व कायम है और आगे भी रहेगा। पाठकों का क्या है? पाठक ठीक है, पाठक आ रहे हैं, पाठक जो रोचक टाइटल है या जो अच्छी किताबें हैं उसके पाठक भी हैं, बट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से भीड़ है, उस हिसाब से पाठक कम है, देखने वाली भीड़ ज़्यादा है। अगली बार आप आना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल आना पसंद करें। कारण जब पाठक भी नहीं है तो? पाठक इसमें क्या है कि प्रदर्शनी है तो हम अपने जो हमारा प्रकाशन है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो नए रचनाकार हैं वो भी हमें मिल रहे हैं, जो कई किताबें हमारे पास अच्छी आ रही हैं, जो टाइटल्स लेके लोग आ रहे हैं, तो नया काम है हमारे पास, नया काम भी है। आपके प्रकाशन का एक स्लोगन है जो कि हम देख रहे हैं और आपने सबके लिए भी डिस्प्ले किया हुआ है, लिखिए आप छापेंगे हम, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि जो नए, बेसिकली जो नए राइटर हैं जिनकी कोई किताब अभी तक नहीं आई है, तो उनका, उनके साथ दिक्कत होती है जो बड़े प्रकाशक अभी तक हैं, तो अगर वो अपनी पांडुलिपि लेके जाते हैं कि हाँ इसको आप पब्लिश कर दीजिए, तो या तो उस पांडुलिपि को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनसे एक मोटा अमाउंट लिया जाता है कि तब हम छापेंगे, क्योंकि हम इतना रिस्क क्यों लें। अब उसमें हमने ये किया है कि जितना कम से कम, जो अगर वो नए पाठक हैं उनकी टाइटल अच्छी है, किताबें अच्छी हैं, सब्जेक्ट उनका ठीक है, तो हम उनको अपने पास से भी इन्वेस्ट करके उनको छापेंगे, कोई कॉस्ट उनका नहीं लगेगा। अगर वो कुछ ऐसा भी है कि चलिए वो कविताएं हैं, गज़ल हैं, कुछ ऐसा लिख के आ रहे हैं जिनसे अगर उनको प्रकाशित हम कर दें तो आगे किसी प्लेटफॉर्म पे वो जा सकते हैं या आगे उनकी लिखने की वो बढ़ेगी, तो हम जो मिनिमम हमारा कॉस्ट है उस पर हम उतना लेके और उनको हम पब्लिश कर देते हैं। आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है, किस तरीके के लेखक ज़्यादा आ रहे हैं, काव्य के आ रहे हैं, गद्य के आ रहे हैं, कैसे हैं? दोनों हैं, लेकिन काव्य में ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो काव्य विधा है उसमें जो ज़्यादातर लोग नए हैं, तो जो अच्छी कविताएँ हैं या अच्छे जो कवि हैं उनको भी पाठक उसी कैटेगरी में लेके रिजेक्ट कर देता है कि ये तो कविताएं हैं, ये तो इनकी भरमार आ गई हैं, इनको छोड़िए, ये इसमें कुछ नहीं है, तो कविताएं भी अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो भरमार है वो नए हैं, तो इसलिए उसमें वो भी लोग कैटेगरी में ले लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या होती है? हमारी प्राथमिकता होती है कि उनकी टाइटल हम देखें कि वो कैसे है, किताब का टाइटल कैसा है, कैचिंग है कि नहीं है, और उसमें जो कंटेंट है वो कैसे हैं, अगर वो बढ़िया सब्जेक्ट पे है, बढ़िया कंटेंट पे है, तो हम उस पे काम करते हैं। जो नव लेखक हैं उनके लिए आपका क्या है, जो अपनी पुस्तकें निकलवाना चाहते हैं, चाहे वो संग्रह हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे जो भी है? हाँ, तो नए लेखकों के लिए ही हमने ये लगाया है कि आप लिखें, हम छापेंगे, अगर आपकी किताब कहीं नहीं छप पा रही है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको आपको प्लेटफॉर्म देंगे, और जो अभी लिखना शुरू भी कर रहे हैं उनके लिए हम साझा संग्रह भी निकाल रहे हैं कि उसमें कई लेखकों को मिला के हम एक साथ ही किताब के रूप में लेके आ जाते हैं, कि जिनसे उनको अपनी तुलना बाकी लेखकों के बीच में रख के वो कर सके कि हम कैसा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। देखा कि जिस तरीके से इनका नव जागरण का जिस तरीके का कि प्रयास बहुत अच्छा है, एक नई बात सामने आई कि जो नव लेखक हैं जो अपनी पुस्तकें निकालना चाहते हैं, चाहे वो काव्य संग्रह हो, कथा संग्रह हो, उसको भी ये प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक अपना मंच रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसका हिंदी साहित्य को बड़ा लाभ मिलेगा,